Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. Hare Krishna, thank you so much, Mataji. Dandavat Pranam. So we will start. हम आज देख रहे हैं दूसरे स्कंद का तीसरा अध्याय का रिविजन देखेंगे. So we will start with the prayers. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टुकी. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा. सो आज हम देख रहे हैं दूसरा स्कंद तीसरा अध्याय का रिवीजन देखेंगे कि हमने तीसरे अध्याय में क्या क्या पढ़ा था. तो कल का जो अध्याय था जो माता जी ने जो लिया हुआ था, सो इट वॉज वेरी नाइस. जिसमें हृदय में भगवान जो कल के अध्याय का शीर्षक था. तो आज का जो अध्याय है दूसरे स्कंद का तीसरा अध्याय, इसका शीर्षक है शुद्ध भक्तिमय सेवा और हृदय परिवर्तन. तो ये जो चैप्टर है ये बहुत छोटा चैप्टर है. इसमें अराउंड 25 श्लोक है. और इसमें कुछ श्लोक ऐसा है जो प्रभुपाद जी के बहुत प्रिय है, जो हमेशा प्रभुपाद जी रिपीट करते रहते हैं इस श्लोक को. सो इस अध्याय को दो भागों में बांटा गया है. पहला जो भाग है उसमें शुद्ध भक्तिमय सेवा और अन्य देवताओं की पूजा, उससे क्या हमें लाभ मिलता है. तो ये पहला भाग है इस अध्याय का. और दूसरे भाग में शौनकादि ऋषि सुत गोस्वामी को पूछते हैं, महाराज परीक्षित को जो भी सुखदेव गोस्वामी जी ने जो कहा था उसके बारे में बोलने के लिए शौनकादि ऋषि सुत गोस्वामी को प्रेरित करते हैं कि हमें और आगे सुनाइए करके हरि कथा. तो इस अध्याय का जो शुरुआत है वो सुखदेव गोस्वामी जी महाराज परीक्षित से बोलते हैं कि जैसे आपने पूछा था कि मृत्यु के समय बुद्धिमान मनुष्य का क्या कर्तव्य होना चाहिए, तो उसका उत्तर मैंने आपको विस्तार रूप से दे दिया है. अब आगे मैं ये कहता हूँ आपको, मैं समझाऊंगा कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसके द्वारा अपना गया मार्ग जो है भक्ति मार्ग, और अन्य जो लोग हैं जो देवताओं की पूजा करते हैं पूजा करना चाहते हैं, तो इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा करके सुखदेव गोस्वामी जी वहां पे इस अध्याय को शुरुआत करते हैं. तो सेकेंड श्लोका जो है, सेकेंड श्लोका से टोटल 9th श्लोका, उसमें सुखदेव गोस्वामी जी बताते कि किसकी पूजा करने से क्या मिलता है. जैसा कि जो व्यक्ति निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहता है तो उनको वेदों के स्वामी ब्रह्मा जी और बृहस्पति जी की पूजा करनी चाहिए. यदि कोई काम शक्ति की इच्छुक हो उसे इंद्र की पूजा करनी चाहिए. यदि किसी को अच्छी संतान इच्छा हो तो उसे प्रजापति दक्ष की पूजा करनी चाहिए. यदि आप सौभाग्य चाहते हो तो उस व्यक्ति को दुर्गा देवी की पूजा करनी चाहिए. और शक्ति पाने की इच्छा रखने वाले को अग्नि की पूजा करनी चाहिए. जो लोग अधिक धन या लक्ष्मी की इच्छा रखते हैं उन्हें अष्ट वसु की पूजा करनी चाहिए. जिसे महानायक के रूप में जाने जाने की इच्छा हो तो उसे भगवान रुद्र की पूजा करनी चाहिए.
यदि अन्न का विशाल भंडार चाहिए तो उसे अदिति की पूजा करनी चाहिए। यदि कोई स्वर्ग लोक प्राप्त करना चाहता है तो उसे आदित्य की पूजा करनी चाहिए। यदि कोई सांसारिक राज्य का आनंद लेना चाहता है तो उसे विश्वदेव की पूजा करनी चाहिए। यदि कोई सामान्य लोक के बीच लोकप्रिय चाहता है तो उसे उसे साध्य की पूजा करनी चाहिए। यदि किसी को दीर्घ आयु की आयु चाहते हैं तो उसे अश्विनी कुमार की पूजा करनी चाहिए। अगर किसी को शारीरिक शक्ति बनाना चाहता है, जैसे कि हम देखते हैं बॉडी बिल्डर, तो उन्हें भूमि पूजन करना चाहिए। और जो व्यक्ति को जो अपनी नौकरी है उसको संभालना है, उसको स्थिरता पे लाना है, तो उसे क्षितिज या भूमि की पूजा करनी चाहिए। यदि कोई सुंदरता की तलाश में हो, यदि अगर हमें सुंदर होना चाहिए बनना चाहते हैं तो उसे गंधर्व की पूजा करनी चाहिए। यदि कोई अच्छी पत्नी की इच्छा रखता है तो उसे उर्वशी और अन्य अप्सराओं की पूजा करनी चाहिए। यदि कोई दूसरे पर प्रभुत्व जताता है तो उसे भगवान ब्रह्मा की पूजा करनी चाहिए। यदि कोई मूर्त चेहरा चाहता है तो उसे सर्वोच्च भगवान यज्ञ रूप में पूजा करनी चाहिए। यदि कोई धन बचाना और रखना चाहता है तो उसे वरुण की पूजा करनी चाहिए। पति पत्नी के बीच अच्छे रिश्ते के लिए उन्हें देवी उमा की पूजा करनी चाहिए। ज्ञान में आध्यात्मिक उन्नति के लिए भगवान विष्णु या उनके भक्तों की पूजा करनी चाहिए। यदि कोई अपने कुल की रक्षा करना चाहता है तो उसे विभिन्न देवताओं की पूजा करनी चाहिए। यदि कोई राज्य पर प्रभुत्व चाहता है तो उसे मनु की पूजा करनी चाहिए। और यदि आप इंद्रिय तृप्ति चाहते हैं तो उन्हें सोम की पूजा करनी चाहिए। तो यहाँ पे ये सब विभिन्न देवताओं, विभिन्न श्रेणियों में जिनकी पूजा विभिन्न प्रकार के ऐश्वर्य, सौभाग्य, अन्य चीजों प्राप्त करने के लिए हम कर सकते हैं। तो ये शौनकादि सुत गोस्वामी जी बताते हैं, और सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को दूसरे श्लोक से नवे श्लोक तक बता रहे। फिर आगे इसमें प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में कहा है कि हालांकि जो भौतिक जो लोग है, जो जीव जो है, उनके अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि वो उनकी जो इच्छा है उसको वो प्राप्त कर सके। तो उसके लिए प्रभुपाद जी बता रहे कि ऐसे अलग अलग देवी देवताओं को पूजा करके ये अपने इच्छाओं को पूर्ति कर सकते हैं जीव। जैसे कि प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में एग्जाम्पल देते रावण का, तो रावण शक्तिशाली बनने के लिए उन्होंने शिव जी की आराधना की और अपना हर एक सिर को काट कर वो शिव जी को अर्पित करता था, और उसकी वजह से वो इतनी शक्तिशाली बन गया। फिर आखिर में जब भगवान रामचंद्र जी ने उनको ललकारा तब जाके उनको वो समाप्त कर पाए, मतलब शिव जी रावण को समाप्त कर पाए, भगवान रामचंद्र जी ने रावण को समाप्त किया। तो यह अपने प्रभुपाद जी अपने श्लोक में तात्पर्य में बता रहे हैं। फिर आगे प्रभुपाद जी आखिर में उस तात्पर्य को इस तरह से कंप्लीट करते हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है उन्हें इस आकांक्षा से बचकर वो भगवत धाम जाने की उनकी इच्छा होनी चाहिए, जो बुद्धिमान व्यक्ति है। तो इसी संदर्भ में आचार्यगण जैसे बताते कि बुद्धिमान व्यक्ति कौन है, तो बुद्धिमान व्यक्ति जो है जो भगवत धाम या भगवान की भक्ति चाहता है। और ये जो भी चीजें है, ये जितने भी जो चीजें बताया रहे कि ये पाने के लिए हमको ये करना चाहिए, ये देवी देवता की पूजा करना चाहिए, तो उन सबसे वो ऊपर उड़ जाता है जो बुद्धिमान व्यक्ति है। तो दैट इज द श्लोक का जो प्रभुपाद जी हमेशा कोट करते हैं 2.3.10 में, अकाम सर्व कामो मोक्ष काम उदारिधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजते पुरुषम परम। तो इसमें इसका अनुवाद इस तरह है कि जिस व्यक्ति की बुद्धि व्यापक है वह चाहे समस्त भौतिक इच्छाओं से युक्त हो या निष्काम हो, अतएव मुक्ति की इच्छक हो, उसे चाहिए कि वो सभी प्रकार से परम पूर्ण भगवान की पूजा करे। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जी सीधे विस्तार से बता रहे कि एक व्यक्ति जो अधिक बुद्धिमान है हुए, चाहे वो भौतिक इच्छा से भरा हो, बिना किसी भौतिक इच्छा हो या मुक्ति की इच्छा भी रखता है, तो उसे परम पवित्र भगवान की ही पूजा करनी चाहिए। तो उसे यहाँ पे बुद्धिमान व्यक्ति कहा गया है। हालांकि सुखदेव गोस्वामी जी ये भी बता रहे कि जैसे कि अलग अलग
लाभ मिलने के लिए हमें अलग अलग देव देवताओं की पूजा करने होती है, बट जो बुद्धिमान व्यक्ति है उन्हें सिर्फ और सिर्फ भगवान की ही पूजा करनी चाहिए और उनको भगवान के शरण में जाना चाहिए। तो इससे क्या होगा, दैट जो लास्ट लाइन है, तीव्रेण भक्ति योगेन, मतलब हमारी जो भक्ति है इसमें बढ़ जाती है जब हम भगवान की पूजा करते हैं, हम सिर्फ भगवान के ऊपर हम लोग निर्भर हो जाते हैं। तो इसके आगे के जो श्लोक है उसमें 2.3.11 में, अगर जो देवी देवताओं की जो पूजा करते हैं तो क्या उन्हें भक्ति प्राप्त होती है या नहीं, तो यह प्रश्न आता है वहां पे। तो उसका उत्तर इस तरह से 2.3.11 में बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी जी कि अनेक देवताओं की पूजा करने वाले विविध प्रकार के लोग केवल भगवान की शुद्ध भक्ति के संगति से ही सर्वोच्च सिद्धदायक वर प्राप्त कर सकते हैं, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर अविचल स्वयं फूल आकर्षण के रूप में होते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद यहाँ पे इस श्लोक में बता रहे हैं कि जब कोई भगवान के भक्तों का संग करता है तब जाके उन्हें भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। एंड हम वो रियलाइज कर सकते हैं हमारे खुद के लाइफ में भी कि वी ऑल, हम सभी भक्तों के संग में आकर ही हम भगवान की भगवान 90% तो भक्तों के संग में आकर ही हम भगवान की भक्ति कर पा रहे और प्रभुपाद जी के शरण में आए हुए हैं। सो दैट इज अ फेमस श्लोक, जैसे कि साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो, मतलब अगर लव मात्र साधु संग भी हम करते हैं तो हम सर्व सिद्धि, मतलब पूरे सिद्धियों से सिद्धि हम प्राप्त कर सकते हैं, मतलब हम भगवान की भक्ति हम प्राप्त कर सकते हैं। तो वह दूसरे स्कंद का 3rd अध्याय के 11वें श्लोक में बताया जा रहा है। फिर ऐसा क्वेश्चन आता है कि अगर जो देवी देवताओं की जो पूजा करते हैं इतने लंबे समय तक पूजा करने के बावजूद उनके अंदर इतने मतलब इतना हो मतलब उसमें वो समय व्यक्त मतलब व्यतीत कर लिए होते हैं, तो क्या उन्हें भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व का विकसित कर सकते हैं, या मतलब उन्हें भगवान की भक्ति प्राप्त हो सकती है, या भगवान की भक्ति में वो अग्रसर हो सकता है क्या? तो वहां पे वो क्वेश्चन आता है। तो उसका उत्तर वो 2rd स्कंद का 3rd अध्याय 12वें श्लोक में बता रहे हैं कि इसमें परम भगवान हरि विषय दिव्य ज्ञान वह ज्ञान है जिससे भौतिक गुणों के तरंगों से भौरव पूरी तरह थम जाती है। ऐसे ज्ञान भौतिक आसक्ति से रहित होने के कारण आत्मतुष्टि प्रदान करने वाला है और दिव्य ज्ञान होने के कारण महापुरुषों द्वारा मान्य है, तो भला ऐसे कौन होगा जो इसे आकर्षित नहीं होगा। तो यहाँ पे बताया जाता है कि भगवान की जो भगवान का जो लीला है, भगवान का जो ज्ञान है, भगवान के जो भी गुण, उससे ऐसे बड़े बड़े जो ज्ञानी जन भी भक्ति में आ जाता है, तो जो देवी देवताओं का जो पूजा करते हैं तो वो तो आसानी से भगवान की भक्ति में वो बढ़ सकते हैं। तो इस श्लोक में प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में ये बता रहे हैं कि प्रभुपाद जी यहाँ पे एक इस संदर्भ में वो प्रभुपाद जी ने यहाँ पे श्रील जीव गोस्वामी जी का एक श्लोक यहाँ पे वो बता रहे कि एको नारायण देव परावरणम परम अस्ते कैवल्य संजिता, कि कैवल्य मतलब सिर्फ और सिर्फ अगर हम अगर भगवत धाम जाना चाहते हैं तो हमें भगवान नारायण की शरण ग्रहण करनी होगी, तब जाके हम भगवत धाम पहुंच सकते हैं। तो वह अपने प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं। फिर आगे इस अध्याय का जो दूसरा भाग है जिसमें श्रवणकादि ऋषि सुत गोस्वामी को इंस्पायर करते हैं कि आप और बताइए, तो जो दूसरा भाग है वो 13वें श्लोक से 25वां जो आखिरी श्लोक है, उस दूसरे भाग में 13वां और 14वां श्लोक में श्रवणकादि ऋषि सुत गोस्वामी को ग्लोरीफाई करते हैं और वो बोलते हैं कि आप कृपया करके हरि कथा बोले, मतलब हमें और सुनने की इच्छा है तो आप कृपया करके हमें हरि कथा सुनाए करके श्लोक क्रमांक 13 और श्लोक क्रमांक 14 में श्रवणकादि ऋषि सुत गोस्वामी जी को कहते हैं। फिर श्लोक क्रमांक 15 और श्लोक क्रमांक 16 में
महाराज परीक्षित का यहाँ पे गुणगान हो रहा है, जिसमें यहाँ पे बताते हैं कि जो महाराज परीक्षित है वो बचपन से ही महान भक्त थे। क्यों? बिकॉज पहले तो उन्होंने अपने माँ के गर्भ में ही उन्होंने भगवान को देख लिया था, भगवान का उन्होंने दर्शन कर लिया था। और जब वो बचपन में ही मतलब भगवान कृष्ण के विग्रह से वो खेलते थे, और उन्होंने देखा, उन्होंने प्रत्यक्ष जो उनके जो जो पांडव जन थे उनको उन्होंने प्रत्यक्ष देखा कि किस तरह से जो पांडव थे कैसे वो भगवान की सेवा करते थे। तो ये सब देख के देख कर मतलब वो इतने बड़े भक्त थे भगवान के। तो उसका उसके बारे में यहाँ पे श्लोक क्रमांक 15 में बताया जा रहा है। तो और श्लोक क्रमांक 16 इसमें सुखदेव गोस्वामी जी का यहाँ पे ग्लोरिफिकेशन होता है कि सुखदेव गोस्वामी जी भी एक बहुत बड़े भक्त है। वी ऑल नो कि वो परमहंस सुखदेव गोस्वामी जी थे, जो मतलब पूरी तरह से भागवतम का पूरा ज्ञान उनके अंदर था। तो ऐसे जो दो भक्त जब मिलते हैं आपस में, तो उनके बीच में सिर्फ हरि कथा ही हो सकता है, दूसरे कोई वहां पे कोई दूसरी कथा नहीं होगी, सिर्फ हरि कथा का ही वहां पे उच्चारण होगा जब ये ऐसे दो भक्त मिलता है। सिर्फ रोल यही है कि परीक्षित महाराज एक शिष्य के रूप में वहां पे बैठे हुए थे, और सुखदेव गोस्वामी जी एक गुरु के रूप में वहां पे बैठे हुए थे। फिर आगे श्लोक क्रमांक 17 से ये बताया जा रहा है कि समय का सही उपयोग क्या होना चाहिए। तो जहाँ पे जो नैमिषारण्य के जो नैमिषारण्य के जो ऋषि मुनि थे, वह यहाँ पे भक्ति की ग्लोरिफिकेशन कर रहे कि एक जो व्यक्ति है वो कि उनकी जो समय है उसको सही सर उपयोग क्या कर सकता है, मतलब समय का सही उपयोग क्या होना चाहिए। तो उसके बारे में श्लोक क्रमांक 17 से 25वें श्लोक इसमें बताया जाता है। तो द फेमस श्लोक अगेन इस 17वें श्लोक में क्या है, आयुर हरति वैपुंसा उद्यान अष्टम च यनसौ तस्यार्थे यक्षणौ नीता उत्तम श्लोक वार्तये। तो हमने ये श्लोक में ये देखा था, इसका अनुवाद इस तरह है कि उदय तथा अस्त होते हुए सूर्य सबों की आयु को क्षीण करते हैं, किंतु जो सर्वोत्तम भगवान की कथाओं की चर्चा चलाने में अपना समय का सदुपयोग करता है उसकी आयु क्षीण नहीं होती है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ये बताते हैं कि सूर्योदय और सूर्यास्त, मतलब सूर्य का उदय होना और सूर्यास्त जब होता है, तो ये जो बीच में जो समय, इसका जो इसकी जो समय, इसके बीच में जो समय है वो व्यर्थ कब होगा, जब हम भगवान के बारे में या भगवान के गुण लीलाओं या भक्तों का संग हम जब नहीं करते हैं जो लोग, तो उनका समय ये व्यर्थ है, ऐसा प्रभुपाद जी बता रहे। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बहुत अच्छा एक उदाहरण देते हैं कि जब हम भक्तों का संग करते हैं तो डेफिनेटली हमें भक्ति, मतलब भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। तो भगवान प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में एक उदाहरण देते हैं श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज जी का, जैसे कि जब हम कोई चैरिटी करते हैं, कोई हम दान करते हैं, तो जब हम ऐसे नॉन ब्राह्मण, जो ब्राह्मण नहीं है, तो उनको जब हम दान करते हैं तो नेक्स्ट लाइफ में हमें सेम पोर्शन ही हम प्राप्त कर सकते हैं, मतलब जितना हमने दान किया, अगर समझो आज हमने 1 रुपए दान किया तो अगले जन्म में हमें 1 रुपए ही मिल सकता है। फिर जो इससे ऊपर जो लेवल है, जो एजुकेटेड जो ब्राह्मण है, मतलब जो जिन्होंने शास्त्र का अध्ययन किया है, तो जब हम इनको जब दान करते हैं तो उसका जो पोर्शन है हमें अगले जन्म में हमें 100 times मतलब 100 गुना ज्यादा हमें उसका उस दान की हमें प्राप्ति होती है, हमें उसका नेक्स्ट लाइफ में वो पोर्शन हमको 100 times मिलता है। पर जब हम ऐसे जो पूरी तरह से भगवान के भक्ति में हो, मतलब पूरा हम उनकी लाइफ उन्होंने भगवान की भक्ति में दे दिया है, तो ऐसे जो भक्त को जब हम दान करते हैं तो हमें अगले जन्म में हमें 1000 times उसका पोर्शन हमको प्राप्त होता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ये हमें बताना चाह रहे हैं कि जब हम चैरिटी करते हैं
तब हमको जो फल है वो प्राप्त होती ही होती है, मतलब 100%, चाहे आप किसी ब्राह्मण्स को दे या कोई नॉन ब्राह्मण्स को दे, या हम कोई बड़े भक्त जो अपनी पूरी लाइफ उन्होंने भगवान की भक्ति में दिया हो, तो जो चैरिटी का जो फल है हमको प्राप्त होगा ही होगा। तो उसी तरह से प्रभुपाद जी हमें समझाना चाहते हैं कि जब हम भक्तों का संग करते हैं तो उसका जो फल है जो हमें भगवत धाम जाने के लिए प्राप्त होता है, तो वो डेफिनेटली अवश्य ही मिलता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में जोर दे रहे कि साधु संघ कितना इम्पोर्टेंट है, कि जब हम साधुओं का संग करते हैं तो डेफिनेटली हमें भगवत धाम जाने का मार्ग हमें प्राप्त होता है। तो वो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं। तो इस श्लोक में, बिकॉज ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, तो इसमें भी ये बताया जा रहा है कि कोई अगर ये प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि नॉर्मली भक्त को भी मृत्यु होती है और जो साधारण व्यक्ति है उनकी भी मृत्यु होती है, तो क्या डिफरेंस है? तो उसमें ये बताया जाता है कि जब हम भक्त जब भक्ति करते 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 वो भगवान के करीब जाते हैं और वो भगवत धाम जाने की उनकी भगवत धाम जाने का उनको उनको वो मार्ग मिल जाता है, और जो जो नॉन भक्त है, जो भक्ति में नहीं है, तो उनको भी मृत्यु प्राप्त होती है, पर वो फिर से वो कौन से योनि में जा सकते हैं उन्हें पता नहीं है, पर जो भक्ति जो करता है डेफिनेटली वो भगवत धाम जाने का उनको मार्ग प्राप्त होता है। तो वह इस श्लोक में बताया जा रहा है। फिर आगे जो 20वां जो श्लोक है 20th to 25, उसमें नैमिषारण्य के जो जो ऋषि मुनि है वह बताते हैं कि जो लोग भक्ति में एंगेज नहीं होते, जो लोग भक्ति नहीं करते हैं, तो उनकी जो इंद्रिय है उसके बारे में बता रहे कि उसका क्या परिणाम होता है जो भक्ति में नहीं जुड़ते हैं। तो ये जो 20वां श्लोक से जो 25वां श्लोक है इसमें बताया जाता है कि जो जो हमारे जो कर्ण है, जो हमारे जो जो ईयर है, जो कर्ण है, अगर हम इसमें अगर भगवान के गुण लीलाओं को नहीं सुनते हैं तो उनका जो कर्ण है वो एक सांप के बिल के समान है, और जो हमारा जो टंग है, जो हमारा जो जीवा है, अगर हम इससे जोर जोर से भगवान का नाम संकीर्तन नहीं करते हैं तो ये जीवा क्या है, एक मेंढक के समान है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे ये बता रहे हैं अपने तात्पर्य में कि जैसा जब मेंढक जब टर टर करता है तो वो उसको लगता है कि वो बोल रहा है, बट वो क्या सांप को बुला रहा है और सांप आके उसको खा लेता है। उसी तरह से जो व्यक्ति जो अपने जो टंग, जो अपनी जीवा से भगवान का उच्चारण या भगवान की कीर्तन नहीं करता है, तो वो मृत्यु को अपने करीब बुलाता है। तो उसके बाद ये बताया जा रहा है कि जिसके सर पे बहुत अच्छा सा सुंदर पगड़ी हो पर वह भगवान के सामने नहीं झुकता है तो वह एक बोझ के समान है, और जिसके हाथ बहुत अच्छे से डेकोरेटेड है, मतलब अलग अलग प्रकार के बैंगल से अगर डेकोरेटेड है, अगर उसका हाथ भगवान के सेवा में अगर वो एंगेज नहीं होता है तो क्या होता है कि वो एक मृत हाथों के समान है। कोई मृत व्यक्ति है, उसके हाथ क्या है, वो कुछ काम नहीं करता है। तो उसी तरह से जो व्यक्ति जिसके हाथ से वो भगवान की सेवा नहीं करता है तो उसका हाथ मृत के समान है। और फिर आगे ये बताया जा रहा है कि सेम अगेन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट श्लोक जो हम हमेशा मतलब प्रभुपाद जी इसको भी हमेशा गाते हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है कि रहते ते नयने नणानां लिंगानि विष्णु निरजक्ते तो ये पादो नणां तो द्रुम जन्म भाजो क्षेत्राणि नानु वर्जतो हरे है। तो यहाँ पे ये बताया जाता है कि जिसकी आंखें जो भगवान के गुण लीला और भगवान की विग्रह को देखता नहीं है, उसकी आंखें क्या है, एक मोर का जो पंख है उसमें भी हम देखते हैं कि आंखों का जो चित्र है उसके समान है। भले ही वो जो मोर के पंख में जो आंखों का जो चित्र है दिखने में वो चित्र है बट उसका कोई यूज नहीं है। तो उसी तरह से यहाँ पे बताया जाता है कि जिसके आंखें भगवान के श्री विग्रह को देखने की इच्छा ना हो
तो उसकी आंखें उस मोर पंख के आंखों के समान है। तो यहाँ पे प्रोपा जी ने आप ये जो तात्पर्य है, इस तात्पर्य में प्रोपा जी ने बहुत अच्छी तरह से बताया जा रहा है कि जो गृहस्थ है उनको किस तरह से डेटी वर्शिप मतलब श्री विग्रह की अर्चा आराधना करना होगा। मतलब हम हमारे घर को अलग अलग प्रकार के डेटी से हम उनकी पूजा कर सकते हैं, जैसे गौरनीता हो गए। प्रोपा जी ने क्लियरली वहां पे मेंशन करते हैं हर एक डेटीज का नाम, उस तात्पर्य में वो मेंशन करते हैं कि किस तरह से गृहस्थ को डेटी वर्शिप करना चाहिए और उस घर को वो मंदिर के समान वो बनाना चाहिए। उसी तात्पर्य में प्रोपा जी ये भी समझाते हैं कि अगर कोई ऐसा नहीं कर पाता है कि अगर वो मतलब डेटीज को नहीं रख पाता है अपने घर पे, तो उसको स्पेशली उसको मंदिर जाना होगा और मंदिर जाके वो अर्च विग्रह की उसको दर्शन हमेशा करने की कोशिश करना चाहिए। तो वो पूरा जो तात्पर्य उसमें प्रोपा जी ने पूरा एकदम डेटी वर्शिप के बारे में बताते हैं। फिर आगे बता रहे कि जिसके जिसके जो पैर है अगर वो भगवान के मंदिर में नहीं जाता है तो उसका जो पैर है वो एक वृक्ष के जड़ के समान है। तो जो वृक्ष का जड़ है वो वहीं पे स्थिर रहता है। तो उसी तरह से अगर हम अपने जो पैरों को मंदिर की ओर नहीं लेके जाते हैं तो वह एक वृक्ष के जड़ के समान है। फिर ये बताया जाता है कि जो कोई व्यक्ति भगवान के भक्त का जो धूली चरण धूली है वो अपने सर पे नहीं डालता है तो वह एक मृत डेड बॉडी के समान है। एक डेड बॉडी किस तरह होता है उसी तरह से उसका अगर कोई व्यक्ति चरण धूली भगवान के भक्त का चरण धूली अपने सर पे नहीं लेता है। फिर आगे बताया जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ हरि कथा ही है जो इतना ऑस्पिशियस है जिससे हम इस भवसागर से हम निकल सकते हैं। मतलब देयर इज नो एनी अदर वे, मतलब कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हरि कथा और भक्तों का संघ के बिना कोई दूसरा रास्ता नहीं है जिससे हम इस भवसागर से प्राप्त हो सकते हैं, इस भवसागर से निकलकर हम भगवत धाम की ओर जा सकते हैं। तो यह इसमें इस अध्याय में बताया जा रहा है। और एट द एंड शौनकादि ऋषि सुत गोस्वामी को बताते हैं कि हमें एक्सप्लेन और करिए जो कुछ महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी जी को जो कुछ पूछा था और उसके उपरांत सुखदेव गोस्वामी जी ने जो कुछ महाराज परीक्षित को बताया, तो उसके बारे में हमें और वर्णन करिए, उसके बारे में और हमें बताइए करके अच्छे वर्ड बोल के इस अध्याय को वो यहाँ पे समाप्त करते हैं। तो ये जो अध्याय है जो शुद्ध भक्तिमय सेवा और हृदय में परिवर्तन, इस अध्याय टोटल ये बताया जा रहा है कि देर आर सो मेनी इंपॉर्टेंट श्लोका आर देयर, बहुत सारे बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका है जो हमेशा प्रभुपाद जी इस श्लोक को कोट करते हैं। तो यही ये श्लोक इस अध्याय का समरी है जिसमें हम एट द स्टार्टिंग से एंड में देखते हैं कि क्या क्या सुखदेव गोस्वामी जी महाराज परीक्षित को बता रहे और क्या शौनकादि ऋषि सुत गोस्वामी को बता रहे और कैसे सुत गोस्वामी जी शौनकादि ऋषि को उस प्रसंग को बता रहे, तो वो हम ये अध्याय में देख रहे हैं। तो यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि और मैं कुछ अगर जो भी कुछ अगर डेफिनेटली दिस इज समरी फॉर्म, अगर मैं कहीं पे छूट गया हूँ मतलब कुछ पॉइंट छोड़ दिया हूँ तो प्लीज आप बोल सकते हैं। तो मैं यहीं पे अपने वाणी को विराम देता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी एकत्रित भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु, प्रणाम। थैंक यू प्रभु, काफ़ी अच्छा समराइजेशन। मतलब जिस किसी ने अगर कोई मिस कर दिया हो, कोई भी श्लोक मिस कर दिया होगा या जिसने कभी सुना भी नहीं होगा इस अध्याय को, तो उसको बहुत अच्छे से इसका ना संक्षिप्त रूप में इसका वर्णन मिल जाता है इसमें, तो बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया था। थैंक यू। और कैसे जो भगवान के भक्त नहीं हैं तो कैसे ये सारा जो अध्याय है कैसे वर्णन करता है, उसकी आंखें कैसी हैं, उसके हाथ कैसे हैं, उसका सर कैसा है, वेरी नाइसली डिस्क्राइब्ड। तो इसको बहुत अच्छे से तुमने प्रेजेंट किया, तो थैंक यू फॉर दैट। और इसमें हम लोग देखते लास्ट है जो है
ईगरनेस दिखा रहा है कि आप हमें आगे बताइए। तो ये ईगरनेस जो है ये भी एक बहुत ही की है, एक है ना, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम लोग कैसे आतुर होके हम लोगों को भक्ति में मतलब सुनते रहना चाहिए। तो वेरी नाइस, थैंक यू प्रभु, हरे कृष्णा। प्रभु जी हरे कृष्णा। ये प्रभु जी एक रिपीटेशन से बहुत कुछ फिर याद आ रहा है कि हम लोग ने ये सब पढ़ा है। सो थैंक्स टू साधु संघ ग्रुप एंड थैंक्स टू सभी वैष्णव का प्रभु। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। करेक्ट, समराइजेशन से क्या होता है कि फिर से क्योंकि हमने काफी पहले कई महीनों पहले किया है तो हम लोग कलयुग के जीव हैं तो टेंड टू फॉरगेट, हम लोग भूल जाते हैं, तो इससे हमारा एक रिपीटेशन हो जाता है कि हाँ ये भी था। और मेन फायदा इससे ये होगा कि आगे जब हम लोग तीसरे स्कंद में जाएंगे तो थोड़ा इसका जो कनेक्शन भी जो है दूसरे स्कंद का हम लोग को अच्छी तरह से इसमें मिलेगा हम लोगों को। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से समरी करवाया। इसमें हम देखते हैं कि प्रथम स्कंद से अभी द्वितीय स्कंद, फिर लास्ट तक पूरे स्कंद तक सब में परीक्षित महाराज का थोड़ा थोड़ा आएगा, सुखदेव गोस्वामी जी का थोड़ा थोड़ा आएगा, पहले के उनका जन्म हुआ, फिर हर एक स्कंद में थोड़ा थोड़ा करके फिर 12th कैंटो तक पूरा होता है। और इसमें जैसे कि अपने पॉइंट बताया वही फर्स्ट चैप्टर के लास्ट में सुरत माधव प्रभु जी ने बताया था कि जो सूर्य की गति से सबकी आयु नापी जाती है या श्वास नापे जाते, वही अगर भागवतम में है, भगवत सेवा में है कोई, ये भगवत भक्ति कर रहा है तो वो उसकी नापी नहीं जाती है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि फिर उसे मृत्यु नहीं आएगी, मृत्यु तो आएगी लेकिन सामान्य लोगों के जैसे नहीं। जैसे परीक्षित महाराज वो भी दिन रात 7 दिन तक भागवतम की कथा कह रहे थे, तो ये मृत्यु लोग है, यहाँ पर शरीर छोड़ना तो पड़ेगा लेकिन अगर वो भागवतम कथा कर रहा है, भगवत जैसे परीक्षित महाराज पूरे दिन रात 7 दिन तक भागवतम कथा कर रहे थे तो उन्हें डायरेक्टली भगवत धाम जाने का रास्ता मिल गया। तो अगर हम लोग भागवतम कथा करते हैं तो उतना उसकी सांसें नहीं गिनी जाती है, जैसे कि सामान्य लोग अगर वो समय दूसरे इसमें गवाते हैं तो उनके श्वास या वो दिन रात गिने जाते हैं, इतने खत्म हो गए, इतने खत्म। हम जितने टाइम भागवतम में बैठेंगे उतना टाइम हमारे भगवत धाम जाने का वो रास्ता ना पे उसमें वो समाविष्ट किया जाएगा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच माता जी फॉर एडिंग दिस पॉइंट। माता जी थैंक यू सो मच माता जी, हरे कृष्णा। यस हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु, दंड प्रणाम प्रभु, आवाज आ रहा है ना? हाँ यस प्रभु। ओके थैंक यू प्रभु। प्रभु आपने काफी अच्छे से क्लास दिया आज और काफी अच्छा समझ में आया हमें और काफी अच्छे से आपने तैयारी भी की इसकी थी। और आपने जो बताया था जैसा गोपी वर्धन प्रभु ने बताया कि एक एक का वर्णन किया कि हमारी आंखें मोर के पंख के समान है, हमारे कान दिल के समान है। तो मैं अभी थोड़ी देर पहले, आधा घंटा पहले शिला प्रपात जी के प्रवचन चला के बैठा था और सुनता था तो उसमें सेम यही बात आई थी कि कोई व्यक्ति इस भौतिक जगत में कितना ही उन्नत क्यों ना हो ले, अगर उसके अंदर भक्ति नाम की कोई चीज नहीं है तो उसके वो ठीक वैसा ही है जैसे मुर्दे को अपन सजाते हैं, जब लास्ट में कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसको अच्छे से सजा के लेके जाते हैं और लोग तारीफ भी करते हैं, रिवाज उन्होंने कितना अच्छा किया, बैंड बाजे भी बजाए, कितने अच्छे से लेके गए, पर उसे लाभ कुछ नहीं होगा ना। चिलम साहब बताते हैं लाभ कुछ नहीं है, मतलब मुर्दे को सजा लो कितना भी कर लो कुछ लाभ नहीं है। ठीक वही चीज आपने यहाँ पर बताई कि वो जब जीवित है लेकिन वो भक्ति नहीं करता तो उसका एक एक अंग मरे हुए के समान ही है। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज भी यही बात बोलते थे कि प्रचार वही व्यक्ति कर सकता है जिसके अंदर प्राण हो, मुर्दा क्या प्रचार करेगा।
मुर्दा का भी प्रचार नहीं कर सकता है। तो जो व्यक्ति इस संसार में है और भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं और प्रचार नहीं कर रहे हैं तो वो ठीक मुर्दे के समान है। और उसको हम भले कितने पैसों से सजा लें, गाड़ियों से सजा लें, इससे सजा लें, तो वो किसी काम का नहीं है। तो ये बात मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा आया। और अभी जैसा हरकृष्ण कुंजेश्वरी माता जी ने बताया कि मृत्यु तो आनी है, भक्तों की भी आनी है और आम आदमी की भी आनी है, लेकिन आम आदमी की जैसे इनकी मृत्यु नहीं होती है। तो उससे भी मेरे को एक पॉइंट याद आया, जैसे भगवद गीता में बताते हैं तथा देहांतरम प्राप्ति। तो जो आम मनुष्य होते हैं, जो साधारण मनुष्य होते हैं, उनकी उनका देहांतरम होता है, उनके देह में अंतर हो जाता है। जैसे कि पहले जो उनकी देह मनुष्य की थी मान लो, तो लेकिन वो भगवान के भक्त है नहीं, तो उनके देह में अंतर आ जाएगा, वो किसी पशु की देह में आ जाएंगे। हो सकता है कि वो किसी वापस मनुष्य शरीर मिल जाए, लेकिन देह में अंतर आ जाएगा उनका, पहले बूढ़े का शरीर था जवान का आ जाए। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं उनका देहांत होता है, नॉट देहांतरम। देहांत मतलब उसका शरीर का जो भौतिक शरीर का अंत हो जाएगा, देहांत हो जाएगा, उसको स्पिरिचुअल बॉडी मिल जाएगी। तो बहुत शब्दों में फर्क है। तो ये बात मैं यहाँ पर मेरे को आपके समझाने से और माता जी के समझाने से याद आई, तो मैंने कहा मैं शेयर करूँ। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। थैंक यू, थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर एडिंग दिस पॉइंट। प्रभु वंडरफुल, प्रभु जय, हरे कृष्णा प्रभु।